बात करते हैं अपना बोनट कैसे खोलें। देखिए यहाँ पर ना जैसे की प्लेस करते हैं उसके नीचे ये मोबाइल होल्डर या पर्स होल्डर, इसके नीचे ये देखिए इसको पुल करेंगे, थर्ड का साउंड आएगा। आ गया, गेट के बाहर चलते हैं देखते हैं क्या हुआ है। देखिए ये हाफ ओपन हो चुका है, अब आपके फिंगर जाएंगे। अब जहाँ टाटा का लोगो है यहाँ पर हाथ डालिए, यहाँ पे आपको एक लैच मिलेगा, अंदर एक लैच है जो यहाँ नीचे होगा। देखो टाटा का लोगो ये है, यहाँ मेरी फिंगर है यहाँ पर, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी फिंगर है, यहाँ पे एक लैच है, इसको आपको ऐसे पुल इस सेट करना है, कैसे ऐसे, ठीक है। ऐसे डाल के इसको ऐसे करना है, आप पुल करें या फिर इसको इस साइड करें, इससे आपका एक्सेस खुलेगा, ठीक है। और हमारे वाइपर लेवल में पानी कम है शायद, देखिए यहाँ पे वाइपर्स का आपका सिम्बर बना हुआ है, आज अंदर सिम्बर बना हुआ है पानी का, विंडशील्ड को साफ़ करने के लिए। इसमें पानी नहीं है ज़्यादा, शायद कम है, तो इसको रिफ़िल करते हैं। तो रिफ़िल के लिए अपनी बोतल आ गई है, इसको कैप को साइड में किया, हो जा साइड में लिया, उसको जिद्दी सब कुछ जिद्दी है टाटा में। बोतल ली, उसे पोर करना शुरू किया, देखिए पूरा फिल हो गया। इसको फिल होने का एक तरीका और, ये ना यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूब लगा हुआ है, ये जैसे ये फिल हो जाएगा ना तो आप सोच रहे हैं एक्सेस वाटर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा सही, वो ऊपर प्रेशर मारता है, तो ज़्यादा खाली नहीं था, लेकिन हमने इसको बिल्कुल फिल करके यहाँ पे बंद कर दिया। इस तरह आप अपने जो विंडशील्ड के वाइपर्स हैं उसके लिए जो क्लीनिंग के लिए वाटर यूज़ करती गाड़ी उसको कर सकते हैं। अब बहुत सारे टैबलेट्स भी आते हैं जो कि इसको विंड क्लीनिंग के लिए होते हैं। चलिए अब हुड को बंद करने के लिए ये है, इसको पहले हल्का सा उठाएं फिर निकल जाएगा, और उसको यहाँ फिट करें तब हुड बंद होगा। देखते हैं, देखिए मैं निकाला इसको ऐसे करके पंच किया फिट, इसको लेके आए यहाँ पर, इतना ऊपर से छोड़ दिया, नहीं हुआ फिट।